कहीं गलती से भी कट गया तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे जाते हैं, तब तो गलती से भी कोई ब्रेक का लीवर प्रेस ना कर दे, उसका खास ख्याल रखना, तो ये डिस्क को भी खा जाएंगे। हेलो गाइज, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू एसएस फिल्म। सो गाइज, कैसे है अपनी फैमिली? होप कि सब बढ़िया ही होंगे। वैसे मैं तो काफ़ी मज़े में हूँ और फिलहाल थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि आज हम कुछ खुराफाती वाला काम करने वाले हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि दर्शन भाई की जो चलाते हैं कॉन्टिनेंटल GT 650, उसके फ्रंट ब्रेक पैड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ब्रेक पैड्स चेंज करने की बात हुई तो मैंने शोरूम पर कॉल लगाया और उनसे पूछा कि भाई इसका प्राइस क्या है। तो शोरूम वालों ने बताया कि 2500 से 2800 के बीच में आएंगे जो ब्रेक पैड्स है वो। तो मैंने सोचा कि साला ये प्राइस तो सुपर बाइक के ब्रेक पैड्स के बराबर हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कुछ अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढते हैं आफ्टर मार्केट। तो सर्च करते करते LRL मोटर्स करके एक वेबसाइट है, उस पर मुझे मिले एक ब्रेक पैड्स। और गाइज, वो ब्रेक पैड्स सिरामिक के हैं और फिर भी ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है और कल ही हमारे ऑफिस पर डिलीवर हुए हैं। तो ब्रेक पैड्स करते हैं इंस्टॉल। और खुराफाती वाली बात इसलिए है क्योंकि मैंने कभी इससे पहले डिस्क ब्रेक का जो कैलिपर है वो खोला नहीं है, तो आज मैं अपने हिसाब से खोल के उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए देखते होता है क्या, क्योंकि अपना कुछ अनुभव है नहीं ये ब्रेक के मामले में, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। अगर नहीं होता है तो मैकेनिक तो है ही है, लेकिन अगर हो जाता है तो हमारे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको भी एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बेसिकली ब्रेक पैड्स चेंज करने में होता है क्या और कैसे ब्रेक पैड्स होते हैं चेंज। तो चलिए ट्राई करते हैं और बाकी देखते होता है क्या, और उसके बाद हम शायद से अगर पॉसिबल हुआ तो उसका जो पैड्स का जो परफॉर्मेंस है वो भी देखते हैं। तो चलिए करते हैं इंस्टॉल। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये जो ब्रेक लाइन के साथ आ रहा है ABS सेंसर का वायर, उसको पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं गलती से भी कट गया तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे जाते हैं। तो फिर पहले तो इसको हटाते हैं तो थोड़ा संभाल के। और अब कैलिपर को निकालते हैं। तो ये रहा हमारा कैलिपर। और एक खास बात कि जब ये कैलिपर निकला हुआ हो तब गलती से भी कोई ब्रेक का लीवर प्रेस ना कर दे, उसका खास ख्याल रखना, क्योंकि फिर ये जो इसके जो पिस्टन है वो पीछे आ जाते हैं और उसको सही करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और उसके बाद निकाल ली है ये पिन। ये बेसिकली एक लॉक है जहाँ पर ये जो पैड्स है वो अटके हुए हैं, ये वाला पिन। उसके बाद यहाँ पर आती है एक क्लिप जो कि हमें निकालनी है, तो उसको निकाल लेते हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम चेंज हो रहे हैं तो काफ़ी हार्ड हो चुकी है, शायद से रस्ट लग चुका होगा। चलिए इसको हटाते हैं पहले। इसमें रस्ट अच्छे से लग चुका है तो थोड़ा सा WD-40 का यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइज, ये है वो पिन, इसको खास संभालना है क्योंकि ये छोटी सी चीज़ के बिना हमारे ब्रेक पैड्स नहीं चल सकते। और गाइज, ये रहे हमारे पुराने वाले ब्रेक पैड्स जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब सीधा थोड़ा सा ही मटेरियल बचा है और बाद में आएगा मेटल, जो कि अगर हमने चेंज नहीं किए तो ये डिस्क को भी खा जाएंगे। तो चलिए अब इसको कैलिपर को भी साफ करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा डस्ट है इसमें। तो पहले करते हैं इसको साफ और फिर इंस्टॉल करेंगे अपने नए वाले जो ब्रेक पैड्स हैं वो।
सो गाइज ये है वो नए वाले ब्रेक पैड्स जो कि हमने LRL मोटर्स से ऑर्डर किए थे और क्वालिटी तो दिखने में काफी बढ़िया दिख रही है। सिरामिक, चलिए करते हैं इंस्टॉल। सो गाइज जिस चीज का हमें डर था वही बात हो गई, क्योंकि इसके जो ब्रेक पैड्स है वो पूरे खत्म हो चुके थे, तो इसके अंदर रहते दो पिस्टन जो कि काफी आगे आ चुके थे और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद देखो अब मेरे पसीने छूट गए हैं, तो पिस्टन को फिर से पीछे धकेला है और अब हम इंस्टॉल करेंगे नए वाले जो ब्रेक पैड्स है उसको। वापस से लगाते हैं स्प्रिंग को। और अब फाइनली फिट करते हैं कैलिपर को। सो गाइज फाइनली आफ्टर एन इटर्निटी हमारे ब्रेक पैड्स लग चुके हैं और ट्राई करने जाने वाले थे ब्रेक पैड्स का परफॉर्मेंस कैसा है, लेकिन फिलहाल हो चुका है काफी लेट, तो हम ट्राई करेंगे कल, तो मिलते हैं सीधा कल सीधा बाइक पे। सो गाइज फिलहाल हम निकल चुके हैं अपने शोरूम की ओर और वो भी GT लेके, क्योंकि उसके ब्रेक पैड को करना था टेस्ट, तो क्यों ना शोरूम पे जाते जाते ही चेक कर ले कि परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। वैसे एज ऑफ नाउ तो चल रहा है, लेकिन ज़रा सा मेन रोड पे जाके भी चेक करते हैं। इसमें और एक दिक्कत आ चुकी है, इसका स्पीडोमीटर जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप से बिहेव कर रहा है। साला ये दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है। चलो ब्रेक तो अच्छे से लग रहे हैं, मतलब कि अपना जो कल का जो मिशन था, या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने खुराफाती की थी वो सक्सेस हो चुकी है, तो चलो बढ़िया है, कुछ नया सीखने को मिल गया अपने को। और पहले मैं ऐसा सोचता था कि यार ये ब्रेक का सेटिंग कैसे होता होगा, तो वो भी हमारे हाथों से ही हो गया और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कुछ ऐसा नया ट्राई करने में। तो जब भी मौका मिलता है या ऐसा कुछ होता है कि हम कुछ नया ट्राई करें, तो मैं उस मौके को कभी गवाता नहीं और देख लेता हूं कि अपने से हो सकता है या नहीं। वैसे कभी कभार इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है, कई बार कुछ मिस्टेक हो जाती है, बट नेवर द लेस
कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही जाता है। और यहाँ पर हमारा शोरूम आ चुका है काफी नजदीक। वैसे परफॉर्मेंस बढ़िया तो निकलने वाला ही था, क्योंकि ये जो ब्रेक पैड्स है वो सिरामिक के हैं और सिरामिक ब्रेक पैड्स का परफॉर्मेंस वैसे भी काफ़ी अच्छा ही रहता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने शोरूम की ओर। तो चलिए बाकी बातें करते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, फाइनली अपने ब्रेक पैड्स लग चुके हैं और होप कि आपको आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव सा लगा होगा। तो अगर व्लॉग पसंद आता है तो आप जानते ही ये करना है क्या, वीडियो को करना है लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ करना है शेयर। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्दी किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।